Hello everyone, good morning dear students. Once again this is Reza here with today's lecture. In today's lecture we are going to start your first chapter, that is Sutra and Papa. So let's get start. Before start the chapter, I'll give you introduction of your first chapter. So this is the story of a young man named Pyotr Petrovich Milkin. He is a regular visitor to the House of Court Constable Kondrashikin's. तो ये जो स्टोरी है ये एक रशियन स्टोरी है जिसको एंटन चेखोव ने लिखा हुआ है. तो ये एक स्टोरी है एक यंग मैन की जिसका नाम है प्योटर पेट्रोविच मिल्किन और वो रेगुलर विजिटर है कॉन्डाशिकिन के घर में. He is friendly with one of his seven daughters, Anastasia. He has dinner at Kondrashikin's house. He goes for walk in the company of Anastasia every evening. तो इसमें जो प्योटर पेट्रोविच मिल्किन है वो friendly होता है कॉन्डाशिकिन की. सात बेटियाँ होती हैं तो उनमें से उसकी एक बेटी होती है अनस्ताशिया. तो वो उसके साथ बड़ा friendly होता है. कॉन्डाशिकिन के घर में वो क्या करता है, डिनर करता है. वो घूमने के लिए जाता है उसकी बेटी अनस्ताशिया के साथ हर शाम को. हिज फ्रेंड्स स्प्रेड्स द र्यूमर दैट ही विल सून मैरी अनस्ताशिया. और उसके जो दोस्त होते हैं वो ये र्यूमर फैला देते हैं कि वो उसकी बेटी अनस्ताशिया से शादी करने जा रहा है. दे आस्क हिम व्हेन ही विल गिव ए पार्टी टू हिज मेल फ्रेंड्स. ही फील्स अपसेट और वो कहते हैं उसके दोस्त उसको पूछते हैं कि आप अपने दोस्तों को स्टैग पार्टी कब देने जा रहे हो. तो उसको वो बड़ा ज़्यादा अपसेट होता है. स्टैग पार्टी मीन्स अ पार्टी इन विच ओनली मेल मेम्बर्स आर इन्वाइटेड. तो एक ऐसी पार्टी, स्टैग पार्टी कौन सी पार्टी होती है, एक ऐसी पार्टी जिसमें मेल मेम्बर्स इन्वाइटेड होते हैं और जो पर्सन अपनी शादी की पार्टी देता है उसको आप स्टैग पार्टी बोलते हो. ही गोज़ टू द हाउस ऑफ Anastasia's father. He wants to take leave of him. He is unable to marry his daughter as his runaway convict. तो वो क्या करता है, बड़ा अपसेट हो जाता है. तो वो उसके पिता के पास जाता है, Anastasia के पिता के पास, कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि वो आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, वो एक भागा हुआ कैदी है. Kondrashikin feels shocked. जो उसका पिता होता है अनस्ताशिया का वो शॉक हो जाता है. मिल्किन वांट्स टू रन अवे फ्रॉम हिज हाउस. वो उसके घर से भागना चाहता है. Kondrashikin टेल्स हिम टू गेट मैरिड विद अनस्ताशिया. ही इज़ अबाउट टू रन अवे व्हेन ही थॉट कम्स टू हिम. मिल्किन उसको कहता है, वो उसके घर से जाना चाहता है. Kondrashikin उसको कहता है कि मेरी बेटी से शादी करो. जब वहाँ से प्योटर पेट्रोविच जाने लगता है तो उसके दिमाग में ये एक प्लान आता है, बात आती है. ही टेल्स Kondrashikin दैट ही इज़ मैड सो ही डज नॉट वांट टू मैरी. और वो कहता है कि वो पागल है और वो आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता. Kondrashikin डजंट एग्री दैट मिल्किन इज़ मैड बिकॉज इज आर क्यू सो अलॉजिकली. Kondrashikin विश्वास नहीं करता कि मिल्किन पागल है क्योंकि वो बड़े अच्छी तरह से जवाब देता है, उसके साथ बहस करता, आर्ग्यू करता है. He asks him to get a certificate of madness. और वो उसको कहता है कि आप मुझे पागल का सर्टिफिकेट ला के दे दो. Kondrashikin प्योटर पेट्रोविच को कहता है, तो कहता है मैं मान लूँगा कि आप पागल हो. He goes to doctor friend. When he reaches doctor's place, he sees the doctor standing there after a quarrel with his wife. वो अपने दोस्त के पास जाता है, डॉक्टर फ्यूटिव के पास. जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो अपने बाल सीधे कर रहा है. उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई होती है तो अपने बालों को सीधे कर रहता है. ही टेल्स द डॉक्टर टू गिव हिम ए सर्टिफिकेट ऑफ मैडनेस. और कहता है कि वो मुझे मैडनेस का पागल का सर्टिफिकेट दे दे एज ही डजंट वांट टू मैरी Kondrashikin डॉक्टर, क्योंकि वो उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता. द डॉक्टर टेल्स हिम दैट ही इज़ ए वाइज मैन इफ़ ही डजंट वांट टू मैरी. वो उसको कहता है अगर तुम शादी नहीं करते हो तो तुम्हें पागल की पेट की कोई ज़रूरत नहीं है. ही कैन गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ मैडनेस ओनली आफ्टर ही हैज़ मैरिड. और कहता है उसको पागल का सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप शादी कर लोगे. तो स्टोरी में ये है कि
कॉन्डा शिकन उसको इंसिस्ट करता है कि मेरी बेटी से शादी कर, और वो क्या करता है उसको कोई ना कोई आगे से एक्सक्यूज़ देता रहता है। तो हम अभी ये थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी स्टोरी की, तो इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको डिस्कस किया था सिलेबस में भी, तो इसमें करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है उसका, प्योटोटस मिल्किन का, कांडा शिकिन का, जो अनस्ताशिया का, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें इससे रिलेटेड आपको जैसे मैंने बताया था कि पोइम के साथ आपका आर रहेगा, इसमें जो हमें पैसेज दिया होगा ये, और पोइम के साथ आर हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना इसकी आ सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्री रीडिंग से। व्हाट डू यू थिंक द वर्ड सूटर मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइटल अबव, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि सूटर का क्या मीनिंग है, आप क्या मीनिंग समझते हो? अ मैन हु वर्क्स इन द ऑफिस एंड वियर्स ए सूट, स्पेशली ए मैन इन हाई पोजिशन इन ए कंपनी हु इज़ कंसिडर्ड टू लैक ह्यूमन फीलिंग्स एंड गुड आइडियाज़। कि एक ऐसा आदमी जो किसी ऑफिस में काम करता है और स्पेशली क्या करता है, एक बड़ी अच्छी पोजिशन से में होता है कंपनी में। दूसरा, समवन हु टेक्स ए प्रॉब्लम टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ए लीगल डिसीजन। दूसरा हमें ऑप्शन दिया होगा कि एक ऐसा आदमी जो प्रॉब्लम लेके जाता है कोर्ट में किसी लीगल डिसीजन के लिए। थर्ड हमें दिया हो, समथिंग दैट सूट्स अ पर्टिकुलर पर्सन सिचुएशन और ओकेजन, जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन जो ओकेजन पे सूट करता है। टी पार्ट हमें दिया हुआ है, अ मैन हु वांट्स टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमैन, एक ऐसा आदमी जो किसी पर्टिकुलर वुमैन से शादी करना चाहता है। तो इसमें से स्टोरी के अकॉर्डिंग जैसे भी जो हमारा ऑप्शन बनता है, ये डी ऑप्शन बनता है कि सूटर का क्या मीनिंग हो गया, एक ऐसा आदमी जो किसी पर्टिकुलर वुमैन से शादी करना चाहता है। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू थिंक द सूटर वुड कम टू पापा। तो कहता आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि सूटर पापा के पास क्यों आएगा। अब यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, टू गेट ए सूट स्टिच्ड, सूट सिलवाने के लिए, टू बाई ए कंपनी, कंपनी खरीदने के लिए, टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, कि उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारा ये सी ऑप्शन बनता है कि उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए वो आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, नो रीड द स्टोरी गिवन बिलो इफ़ योर गैस वाज करेक्ट। कहता है स्टोरी को पढ़ो और देखो कि आपका जो गैस था वो सही था। यू आर गेटिंग मैरिड आई हियर, सेज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टू प्योटर पेट्रोविच मिल्किन इन द समर बाल। वेन आर यू गोइंग टू थ्रो योर स्टैग पार्टी। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, समर बाल का मीनिंग यहाँ पे हो गया, ये एक डांस अरेंज किया जाता है समर सीजन में, तो वहाँ पे एक डांस पार्टी चल रही होती है। तो उसमें जो प्योटर पेट्रोविच मिल्किन है उसका फ्रेंड उसको कहता है तुम शादी करने जा रहे हो, कि मैंने सुना है तुम शादी करने जा रहे हो, उस डांस पार्टी में उसको कहता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो योर स्टैग पार्टी, और कहता है कि तुम शादी करने जा रहे हो और उस शादी की मुझे कब पार्टी देने जा रहे हो। स्टैग पार्टी मैंने आपको पहले भी बताया है, अ पार्टी अटेंडेड बाई मेल मेम्बर्स, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कॉकटेल पार्टी भी बोलते हो। तो कहता है तुम शादी की पार्टी देने कब जा रहे हो। वेयर डिड यू हियर आई वॉज गेटिंग मैरिड, सेड मिल्किंग ब्लशिंग। वट फूल टोल्ड यू दैट, कहता तुमने कहाँ से सुना कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मिल्किन उसको बोलता है ब्लश करते हुए, ब्लश का मीनिंग थोड़ा शर्मा जाना, शर्माते हुए उसको बोलता, कहता किस मूर्ख ने तुम्हें कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। एवरीबॉडी सेइंग सो एंड एवरीथिंग गोज टू शो इट, कहता हर एक चीज़ ये शो करती है, हर एक आदमी यही चीज़ कह रहा है। नो यूज कवरिंग अप माई डियर फेलो, तो कहता है कि तुम्हें वो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं, कवरिंग अप का मीनिंग हाइडिंग करना, का तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम शादी करने जा रहे हो। यू थिंक वी डोंट नो एनी थिंग, वट वी कैन सी राइट थ्रू यू एंड नो ही। कहता तुम क्या समझते हो कि हम कुछ नहीं जानते, हमें सब पता है,
कहता हर एक चीज़ें शो करती है, एवरीथिंग गोज़ टू शो इट, कहता हर एक चीज़ें शो करती है कि तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो, हम राइट थ्रू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कहता हम स्टार्टिंग से जानते हैं। यू स्पेंड होल डे विद द कांडा शिकन, कहता कि तुम पूरा दिन कांडा शिकन घर में स्पेंड करते हो। यू हैव डिनर देयर, कि तुम वहाँ पे डिनर करते हो उसके घर में। यू हैव सपर देयर, कि तुम वहाँ पे सफ़र करते हो, सफ़र का मीनिंग हो गया कि जो रात के समय किसी व्यक्ति को जो खाना लेते हो। यू सिंग बैलेट्स, कहते तुम उसकी बेटी के लिए बैलेट्स का मीनिंग लव सॉन्ग्स गाते हो। यू डोंट गो फॉर वॉक्स विद एनिमल एक्सेप्ट नास्तिया कांडा शिकन, एंड शी इज़ द वन ओनली यू टेक बंचेस ऑफ फ्लावर टू। और कहता है आप सुबह नास्तिया के किसी के साथ घूमने के लिए नहीं जाते हो, उसी के साथ घूमने के लिए जाते हो। और कहता वही है जिसके लिए आप बंचेस ऑफ फ्लावर लेके जाते हो। तो वी सी एवरीथिंग, कहता हम हर एक चीज़ जानते हैं। आई मेट नास्तियाज फादर द अदर डे एंड ही सेज इट इज़ इन द बैग एंड द वेडिंग विल टेक प्लेस एज सुन एज यू मूव बैक टू टाउन फ्रॉम कंट्री। कहता कि मैं उसके पिता से एक दिन मिला था, ठीक है। इट इज़ इन बैग का मीनिंग, इट इज़ इन द बैग का मीनिंग हो गया कि शादी हो जानी है, कि मैरिज इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। उसने कहा कि आपकी शादी होने वाली है मेरी बेटी से, ठीक है। तो जब तक मतलब कि आप यहाँ से मूव करोगे टाउन से बैक टाउन टू अपने टाउन में इस कंट्री से, तब तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। वेल गॉड ब्लेस यू, कहता है कि गॉड ब्लेस यू, आई एम ग्लैड फॉर कांडा शिकन्स सेक रादर देन योर्स, कहता मैं तुम्हारी बजाय कांडा शिकन के लिए ज़्यादा खुश हूँ। द पुअर फेलो हैज़ गॉट सेवन डॉटर्स, सेवन, कहता है कि उसकी 7 बेटियाँ हैं। दैट इज़ नो जोक, एटलीस्ट ही इज गेट वन ऑफ दम फिक्स अप, कहता है लेकिन उनमें से कम एक की तो शादी है वो तय होगी। फिक्स अप का मीनिंग हो गया तय हो जाना, कहता कम से कम एक की जो शादी है वो तो फिक्स होगी है। वे ब्लॉस थॉट मिल्किंग, दैट इज़ द 10th वन हु हैज़ टोल्ड मी आई एम मैरिंग नास्ते। ब्लॉस का मीनिंग हो गया कि जहाँ पे बड़ा नॉनसेंस, कहता है ये कैसा नॉनसेंस आदमी है, कहता है सुबह का 10th पर्सन मिल गया, कहता है सुबह का ये 10वां आदमी है जिसने मुझे भी बोला है कि मैं उसकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। हाउ डिड दे वर्क दैट आउट, डैम दैम, डैम डैम का मीनिंग वो कहता कि बाढ़ में जाएं वो, कहता ये कैसे कंक्लूजन पे मतलब कि लोग पहुंच जाते हैं। बिकॉज आई डाइन एवरी डे एट कांडा शिकन, कहता ये बात सच है कि मैं उसके घर में डिनर करता हूँ। एंड गो फॉर वॉक्स विद हर, और कहता उसकी बेटी के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। नाउ इट इज़ टाइम टू स्टॉप दीज र्यूमर्स, और कहता अब ये टाइम आ गया है कि इन र्यूमर्स को मैं स्टॉप कर दूँ। इट इज़ डेफिनेटली टाइम, और कहता है टाइम आ गया है। आर बिफोर आई नो वेयर आई एम दे विल गेट मी हिस्ट, कहते इससे पहले कि वो मेरी शादी कर दें। द मीनांसिस आई विल ड्रॉप इन टुमारो एंड स्टार्ट आउट विद दैट द ब्लॉक हेड ऑफ ए कांडा शिकन सो दैट ही वॉन्ट होप इन वेन एंड हे हो, कहता कि उस मैं सुबह उसके पास जाऊँगा, उस मूर्ख के पास जाऊँगा, ठीक है, और इसको ये क्लियर करूँगा कि ये जो मतलब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं कोई शादी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं इससे पहले कि मेरी शादी हो जाए, तो कहता मैं उसको सारा जाके क्लियर करूँगा तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। ऑन द डे आफ्टर दिस कन्वर्सेशन एन एम्बेरस सम बट फ्राइटन मिल्किन वेंट इन टू कोर्ट काउंसलर कांडा शिकन स्टडी, कहता इस कन्वर्सेशन के बाद वो क्या करता है, एम्बेरस कंपनी हैरान परेशान हो हुआ जो प्योटर मिल्किन होता है, तो वो क्या करता है कांडा शिकन के पास जाता है। प्योटर पेट्रोविच मिल्किन सेड हिज होस्ट इन ग्रीटिंग, हाउ आर वी गेटिंग ऑन, मतलब प्योटर पेट्रोविच मिल्किन जब उसके पास जाता है उसके स्टडी रूम में, तो उसको बोलता है कि कांडा शिकन उसको बोलता है कि कैसा कैसे आना हुआ। ही नास्तिया विल बी हेयर इन ए जिफी, इन ए जिफी का मीनिंग हो गया वेरी सून, कहता है नास्तिया वहाँ जहाँ बड़ी जल्दी होगी। उसको लगता है कि शायद वो उसकी बेटी से मिलने के लिए आया है। शी हैज जस्ट पॉप्ड ओवर टू गेस्ट फॉर अ मोमेंट, पॉप्ड का मीनिंग हो गया कि
गई हुई, कहता वो कहीं मतलब ऐसे पड़ोस में थोड़ी देर के लिए गई फॉर ए मोमेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैवंट कम फॉर अनास्तासिया किरिलोवना, कांडाशिकिन को बोलता है प्योटर पेट्रोविच मिल्किन कि बात ऐसे है कि मैं उससे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। मम्बल मिल्किन स्क्रैचिंग इज आई इन एम्बैरसमेंट, मम्बल का मीनिंग मतलब क्लियरली ना कहना, और अपनी से वो आंख को रब करते हुए कहता है आई हैव कम टू सी यू, कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देयर इज़ ए सर्टन मैटर आई मस्ट डिस्कस विद यू, आई हैव गॉट समथिंग इन माई आई, कहता कुछ एक बात है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में आप देखो, कि मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आई हैव गॉट समथिंग इन माई आई, कहता है कि मेरे से बात करो, आंख मिलाओ, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड वट इज़ इट यू टेन टू डिस्कस, सेट कॉन्डक्शन विद ए विंक, विंक होता है आँख से इशारा करना, तो वो आँख से इशारा करने करते हुए कहता है कि तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो, मुझे बताओ कि क्या डिस्कस करना चाहते हो। ही वाई आर सो फ्लस्टर्ड माई डियर चैप, फ्लस्टर्ड का मैंने एजिटेटेड होना, तो कहता माई डियर पर्सन माई डियर फ्रेंड, आप इतनी जल्दी एजिटेटेड एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। वेट बिहाइंड द ईयर्स दैट यूर ट्रबल, ठीक है, बैट बिहाइंड टीयर्स का मीनिंग हो गया बड़ा अपसेट होना, नर्वस होना, ठीक है। आई नो वट यू वॉन्ट टू डिस्कस, ही इट इज़ अबाउट टाइम, कहता मुझे पता है कि आप क्या डिस्कस करना चाहते हो, तो वो आगे मतलब उसको हंसते हुए ऐसा बोलता है। कांडाशिकुन उसको बोलता, कांडाशिकुन लगता है शायद ये मतलब बेटी के साथ शादी के लिए बात करने के लिए आया है, तो उसको ये चीज़ बोलता है, तो कहता मुझे पता आप क्या डिस्कस करना चाहते हो, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग बेटा, तो आज के लिए आपने इतना ही रखना है, तो आगे हम नेक्स्ट डे इसको करेंगे।